नमस्कार, आज मुझे कावरिया खटा बा टको भिंडी खटा तैयारी करके देखेबी। यही समय यहाँ आपण मैंने सहजरे पाइबे। ओडिशा रे आकु भिन्न भिन्न नाँ रे लोक मैंने डाकंती। एमिती टको भिंडी, खटा भिंडी, आंबिली भिंडी, खटा पालंग, कावरिया खटा, नाली कावरिया, एमती अनेक किछि नाँ रे एथिरे विभिन्न प्रकार जिनस सब तैयारी करा जाय। मुझे आपण मैं टको भेंडी खटे तैयारी करके देखेबी। से देखते यार नाली पाखुड़ा को अलग करदे मंजी को बाहर करापर या भल भाव धोईकी पखापाखि गोटे कप हम यार पाखुड़ा को नहींजे। खटा करने प्रथम गोटे जगार तेल किसी गरम करने तेल टी गरम होगापर से पंचफुटन शुखिला लंका अल्प भृसंग पत्र को दे दौजे। यही खटा तैयारी करने को बेसी समय लगे अधिक जिनस दरकार हुए बहुत अल्प समय हो जाए। फुटाण टी आस जो नाली कावरिया पाखुड़ा को निहित भल भाव धोईकदे सब जिनस को पूरा भल भाव मिसई ने जिनस को देखिकी ए लुण देदेब। मुझे हलदी देनी आपण मैंने चाहिए हाल्का हलदीपर। चूली रे आंच को मीडियम रो हाई फ्लेम रे रखिके एटा करिवे। एटा बहुत शीघ्र हो जाए। ये देखंतु आमर कावरिया पाखुड़ा गुड़िक पूरा मौली जाय छी भल भाव मिसी मध्य गलानी। एबे हमें एथरे चीनी दे दबा। आपण माने निजो इच्छा अनुसार एथरे कम के बेसी चीनी देबे। तापरे चीनी को भल भाव मिसै नबा। ये देखंतु चीनी मिसी आसला पर यार रंग मध्य केडे सुंदर फुटिकी बाहरलानी। यही भाव में या कि समय पर फुटेद। ये देखते फुटी फुटी यहाँ एबला या को बेस समय फुटेबा दरकार नहीं कहीं थंडा है आगे बहलिया होने भाव में आम चूली को बंद करद। ये देखते केते अल्प समय और केते अल्प जिनसरे आमर टको भिंडी खटा बा कावरिया खटा तैयारी हो गला।